मत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जीरा आलू बना के बताऊंगी एकदम मेरे तरीके से। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी जीरा आलू बनाना, जो कि आप एक बार खाओगे तो आप बार बार बना के खाना चाहोगे। देखिए दोस्तों, जीरा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आलू उबाल के ले लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने 10 आलू को उबाल के ले लिया है, और इसी के साथ मैंने लिया, देखिए स्वाद अनुसार मैं नमक लूंगी, मैं आधा चम्मच ली हूँ, आप स्वाद अनुसार लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, आधा चम्मच ही यहाँ पे मैंने लिया है कस्तूरी मेथी, मैंने लिया है एवरेस्ट की हींग जो कि मैं एक पिंच डालूंगी, और एक चम्मच मैं जीरा ली हूँ। चलिए मैंने देखिए कढ़ाई गर्म होने रख दिया है गैस पे। देखिए कढ़ाई को हमें तेज फ्लेम पे गर्म करना है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, देखिए इसमें मैं 2 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। हमारा जीरा आलू इससे बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहे तो आपके पास जो तेल हो आप ले सकते हैं। और जब हमारा जीरा चटक जाएगा ना दोस्तों, फिर इसमें हमने जो ये मसाले रखे हैं वो डालना है। जब तक हमारा जीरा चटक रहा है तब तक हम इसको काट लेते हैं आलू को अच्छी तरीके से। देखिए हमारा जीरा चटक चुका है और हमने ये आलू को भी काट लिया। अब मैं इस आलू को इस जीरे में डाल दूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये बहुत ही जल्दी हमारा जीरा आलू बनके तैयार हो जाएगा, और आप इसे रोटी पूरी जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही यमी होता है। देखिए तो 2 मिनट अच्छी तरीके से गैस को तेज रख के हमें भूनना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो जीरा है ना अच्छे से भूना हुआ था, और इसमें जो हमने आलू डाला है आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो देखने में। और जो मैंने ये मसाले लिए थे वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी, देखिए इस तरीके से, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम में लो कर दूंगी और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है जीरा आलू, और पूरी के साथ खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, पूरी के साथ खाता है वो। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, और नवरात्रे में बना के इसे आप खा सकते हैं। देखिए कितना खिला खिला हमारा जो जीरा आलू है बनके तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों इसे बनाने में, आप जरूर बनाना। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे जीरे आलू का, और कितना अच्छा बनके तैयार हो। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसमें हरा धनिया भी काट के डाल दें। 2 मिनट चलाते हुए इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है ना वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। इसका जो स्वाद होता है बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, आप जरूर बनाना इस तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। हमारा जीरा आलू बनके तैयार है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारा जो जीरा आलू है ना वो बनके तैयार है, और मैं इसे आप सर्व करके दिखा। देखिए मैं इसे इस प्लेट में सर्व करूंगी इस तरीके से। देखिए हमारा जो जीरा आलू है ना कितनी अच्छी तरीके से बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। देखिए मैं सारे आलू को इसमें डाल दूंगी, देखिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों मैंने सारे आलू को इसमें डाल दिया है। अगर आपको मेरा ये जीरा आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि मैं अगले कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।